चीज है, जब लियो अकेला था लियो हमारे साथ खेलता था और बाकी टाइम वो सोता था या फिर ऐसे ही बैठा रहता था। लेकिन अभी लियो इतना ज्यादा खुश है और ज्यूस भी खुश है और सबसे बढ़िया बात है कि दोनों खाना खा रहे, मैंने बोलते ना छोटा भी पूरा अच्छे से खाना खा रहा है, ज्यादा कष्ट नहीं करना पड़ रहा है और बड़ा भी बना भी खा रहा है। पहले लियो क्या करता था, खाना ऐसे रख देता था जब उसको मन होता था खाता था, लेकिन अभी जब से ज्यूस आया है ज्यूस का वो बहुत केयर कर रहा है, खाना पहले ठंडा है कि गर्म है वो देख लेता है, चेक कर लेता है। और हमारे लियो को हमेशा फ्रेश खाना अच्छा लगता है, अगर उसको ठंडा खाना देंगे वो छुएगा भी नहीं। वैसे ही ज्यूस का भी मैंने बोलते ना ज्यूस को भी बहुत सारा चीज़ें यूनिक है, ज्यूस को हमारा दही बहुत ज़्यादा पसंद है और ज्यूस को दूध वगैरह पसंद नहीं है, छेना भी पसंद नहीं है मैंने दिया था, पनीर भी नहीं खा रहा है वो टोटली, लेकिन उसको दही बहुत ज़्यादा पसंद है, दही पसंद है। और साथ में वो कभी कभी अपने बड़े भैया का बोलते ना जो चिकन है वो हड्डी छुड़ा के ले लेता है और चबाता रहता है। उसका टाइम है सेरेलैक्स खाने का, वो सेरेलैक्स बहुत कम खा रहा है और साथ में हम उसको सूप दे रहे हैं, वो सूप भी पी रहा है, जो चिकन स्टॉक सूप वो दे रहे हैं और थोड़ा थोड़ा चावल भी दे रहे हैं, सब ऐसे मिक्स करके दे रहे हैं ताकि हम खाना रोटेट करके उनको दे रहे हैं, एक साथ में सारा खाना नहीं दे रहे हैं। क्योंकि जैसे हम इंसानों का भी, अभी लियो को हम 1.5 साल से हम लोग पाले हैं तो हमें पता चल गया है कि किस तरीके से हमें घर में अगर हम डॉग रख रहे हैं तो उनको कैसे हम लोग अच्छे से खाना खिला सकते हैं बिना कोई झंझट के। तो वो सबसे बेस्ट तरीका है कि उनका खाना हमेशा रोटेट करके देना है, कि आज अगर हमने खाने में चावल दिया तो कल हम उनको खाने में सेरेलैक्स देंगे, परसों हम खाने में चिकन देंगे, उसके बाद हम कभी सूप दे सकते हैं या बॉयल एग दे सकते हैं। कच्चा अंडा तो हम लियो को नहीं देते हैं, हमेशा बॉयल अंडा ही देते हैं, क्योंकि डॉक्टर भी बोलता है कि कच्चा अंडा मत दीजिए क्योंकि बॉयल करके देने से उनके लिए अच्छा होता है। बहुत सारे लोग कच्चा अंडा देते हैं लेकिन उससे हेल्थ तो बढ़ जाएगा लेकिन उनका इन द फ्यूचर के लिए उनको प्रॉब्लम होता है। और जेहेतु वो हमारे फैमिली मेम्बर है, हमेशा जो भी चीज़ करती हूँ मैं इन द फ्यूचर को देख के ही करती हूँ। तो लियो को तो आप लोग देख ही रहे हैं, तो भगवान करे कि ज्यूस भी जल्दी से जल्दी ऐसे ही बड़ा हो जाए और दोनों आपस में बहुत ज़्यादा हैप्पी रहे, यही चाहिए हम लोग को और तो कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग भी बहुत एंजॉय किए होंगे। अगर आपके घर में भी पेट है तो आप लोगों को पता ही होगा कैसा लगता है घर में अगर एक पेट हो, क्योंकि उसको आप छोड़ के कहीं जा नहीं सकते हैं। ये बोलते ना बहुत लोग सोचते हैं कि हम पेट घर में लाएंगे तो घर में से बाहर नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम सच्ची बताएं हमें जाना ही नहीं है, हमें अपने बच्चों के साथ ही रहना है। तो हम बच्चों के साथ रह के ही हम लोगों को अच्छा लगता है और बहुत ही हम लोग अच्छा फील भी करते हैं और खेलते खेलते तो टाइम निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। फिर लोग बोलेंगे अगर घर पे ही रहोगे तो फिर कमाओगे क्या खाओगे क्या। तो दोस्तों जैसे कि फेसबुक और यूट्यूब ने इतना अच्छा बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया है हम लोगों को, तो उसी प्लेटफॉर्म से ही हम खेलते खेलते वीडियो बनाते हैं और उसी में से इनकम होता है और उसी में से हम सब परिवार बोलते ना चलते हैं। और अभी तो आप लोगों को जैसे पता ही है लियो का इनकम भी शुरू हो गया और हम लोग भी काम करते हैं, तो अभी हमने सोचा है कि फुल टाइम हम लोग इसी में ही काम करेंगे और कुछ काम अभी फिलहाल तो करेंगे नहीं। तो आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही आप लोगों का प्यार हमारे ऊपर बरसते रहे, यही मेरी बोलते ना आशा मैं रखती हूँ आप सभी लोगों से, ऐसे ही आप लोग हमें प्यार देते रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों के बिना हम लोग कुछ नहीं है, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है बोल के हम लोग आगे आ पाए और आगे भी ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए और हम लोग बोलते ना 110% अपना देने की कोशिश करेंगे। और कभी कभार हम लोग वीडियो नहीं डाल पाते हैं क्योंकि कुछ काम में बिजी रह जाते हैं या फिर तबीयत वगैरह भी खराब हो जाता है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हम अपना कंटिन्यूटी जो है वो बनाए रखें। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे कैमरा बाबा यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि हम लोग जो भी नया वीडियो डालेंगे तो उस पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जो कि हमारे पेज का नाम है कैमरा बाबा, तो उसमें भी आप पेज को फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी लाइक कीजिए शेयर कीजिए, हम सेम वीडियो वहीं पर डालते हैं, फेसबुक पर भी डालते हैं यूट्यूब में भी डालते हैं, आप लोगों को जहाँ पर भी अच्छा लगे आप लोग वहाँ पर देखते रहिए। तो बाय दोस्तों।